भारत में होटल बुकिंग साइट की अग्रणी कंपनी ओयो के संस्थापक और सीईओ रितेश अग्रवाल ने हाल ही में एक डेटा साझा किया था। इस डेटा के अनुसार अयोध्या एक पर्यटन स्थल के तौर पर उभर कर सामने आया है। हिल स्टेशनों और समुद्री किनारों की तुलना में अयोध्या में अधिक बुकिंग देखने को मिली है। उन्होंने गोवा, अयोध्या और नैनीताल की तुलना करते हुए एक डेटा साझा करते हुए बताया कि अयोध्या में ओयो ऐप उपयोगकर्ताओं में 70% की वृद्धि देखी गई है, जबकि नैनीताल में 60% और गोवा में 50% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक पर्यटन अगले 5 वर्षों में पर्यटन उद्योग के सबसे बड़े फैक्टर के तौर पर उभरेगा। वैसे हमारे देश में कुल पर्यटन का 60% या फिर इससे भी अधिक हिस्सा धार्मिक पर्यटन या रिलीजियस टूरिज्म है। तो आज हम कार्यक्रम में इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि रिलीजियस टूरिज्म यानी कि धार्मिक पर्यटन किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान दे रहा है। शुरुआत करते हैं पर्यटन मंत्रालय के धार्मिक पर्यटन के नए आंकड़ों से, जहां साल 2021 में मंदिरों की कुल कमाई 65,070 करोड़ के आसपास थी, वहीं साल 2022 में ये आंकड़ा 1.34 लाख करोड़ तक पहुंच गया। इससे पहले यानी कि साल 2020 में 50,136 करोड़, 2019 में 2,11,661 करोड़ और 2018 में 1,94,881 करोड़ की कमाई हुई थी। ये आंकड़े बताते हैं कि तीर्थ स्थल से कमाई का आंकड़ा 2 गुना रफ्तार से आगे बढ़ा है। इस पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर धर्म के जरिए व्यापार ऐसे ही बढ़ता रहा तो देश जल्द ही कोरोना काल से पहले वाली ग्रोथ स्पीड में आ जाएगा। तो अब इन आंकड़ों को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर धार्मिक पर्यटन होता क्या है। आइए समझते हैं। धार्मिक पर्यटन कोई नई अवधारणा नहीं है, ये एक तरह से हमारी संस्कृति का ही हिस्सा है। इसे आप ऐसे समझिए कि जब कोई व्यक्ति मुख्य रूप से अपने धार्मिक विश्वास के आधार पर किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करता है तो इसे धार्मिक पर्यटन या फिर रिलीजियस टूरिज्म के रूप में जाना जाता है। इसमें यात्री पूजा करने और मोक्ष का आनंद लेने के तरीके के रूप में तीर्थ यात्रा करते हैं। हालांकि कुछ दशकों पहले तक ये यात्रा समाज के उच्चतम वर्ग के लोगों तक ही सीमित थी, लेकिन आज धार्मिक पर्यटन एक विशिष्ट बाजार है जिसमें लोग धार्मिक स्थलों, तीर्थ स्थलों को देखने के लिए देश और विदेश में यात्रा करते हैं। भारत की बात करें तो बौद्ध गया, सारनाथ, कुशीदेव जैसे कई तीर्थ स्थल हैं, जहां हर साल दक्षिण एशियाई देश जैसे कि चीन, जापान, म्यांमार से लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। इन विदेशी धार्मिक पर्यटकों और प्रवासी पर्यटकों के आने से सरकार को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। हालांकि धार्मिक पर्यटन में घरेलू पर्यटन का योगदान सबसे ज्यादा है। साल 2022 में पूरे भारत में 1731 मिलियन अधिक घरेलू पर्यटक आए, जिसमें से 30% से ज्यादा पर्यटक धार्मिक पर्यटन के उद्देश्य से यात्रा पर थे। देश के साथ ही विदेशों में भी चर्चा का केंद्र बनी अयोध्या की अगर बात करें तो राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में टूरिज्म 4 गुना बढ़ने की बात कही जा रही है। इन बातों को वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में टूरिस्ट के आंकड़े सच भी साबित कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार जहां एक साल पहले तक 80 लाख पर्यटक आते थे, वहीं 2021 में हुए जीर्णोद्धार के बाद एक साल में करीब 7 करोड़ 20 लाख लोग आए। घरेलू पर्यटन के मामले में भी वाराणसी ने वृद्धि दर्ज की, जहां साल 2022 के जुलाई महीने में वाराणसी में 40.03 लाख घरेलू पर्यटक पहुंचे, वहीं साल 2021 में ये आंकड़ा 4.61 लाख था। इतना ही नहीं, साल 2022 तक काशी विश्वनाथ का दान 500% बढ़कर 100 करोड़ हो गया। धार्मिक पर्यटन के विकास के पीछे के कारणों पर अगर बात करें तो हमारे देश में कई धर्म के लोग रहते हैं और पुरानी सभ्यताओं वाला देश होने के कारण भारत में सभी धर्मों से संबंधित तीर्थ स्थान भी मौजूद है। लगभग सभी धर्म का व्यक्ति जीवन भर में एक बार अपने अपने धर्म से संबंधित तीर्थ स्थान की यात्रा करने की इच्छा जरूर रखता है। विविध धार्मिक परंपराओं के कारण भारत दुनिया भर से लाखों तीर्थ यात्रियों के साथ ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे में कुछ तीर्थ स्थल जैसे कि वैष्णो देवी, काशी विश्वनाथ, तिरुपति बालाजी, स्वर्ण मंदिर के साथ ही अजमेर शरीफ, देवा शरीफ जैसे भारत में कितने तीर्थ स्थान है जहाँ साल भर पर्यटकों या फिर श्रद्धालुओं का आना जाना बना रहता है। यहाँ एक सवाल अब ये भी उठता है कि आखिर रिलीजियस टूरिज्म अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है। देखिए, भारत में मौजूद कई धार्मिक स्थल रोजगार का स्रोत है, यानी इन स्थलों पर स्थानीय लोगों को छोटे मोटे काम जैसे कि फूल बेचने, प्रसाद बेचने का मौका मिल जाता है। इतना ही नहीं, कुछ तीर्थ स्थल विश्व प्रसिद्ध हैं जहाँ देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या ज्यादा होती है और वहाँ ट्रांसपोर्ट, होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, इनका विकास भी तेजी से होने लगता है।
वहीं स्थानीय उत्पादों की बिक्री भी बढ़ जाती है। इससे सरकार को मिलने वाले राजस्व में इजाफा होता है और राज्य और देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर देखने को मिलता है। देश में धार्मिक पर्यटन को मिली जबरदस्त ग्रोथ में सरकार के क्या प्रयास है, इन्हें भी जानते हैं। धार्मिक पर्यटन पर जोर देने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसमें सबसे प्रमुख कार्य बुनियादी ढांचे के निर्माण से जुड़ा हुआ है। पर्यटकों को ज्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े, इसके लिए रोडवेज, सड़क और फिर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा इस तरह के टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। जानकारी के लिए बता दें कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही प्रसाद योजना, इसके तहत चिन्हित तीर्थ स्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर का समग्र विकास किया जा रहा है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने निशुल्क तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत 7 साल से ज्यादा की आयु के लोगों को निशुल्क तीर्थ यात्रा कराई जाती है। अब जाहिर है देश धार्मिक पर्यटन के विकास में तमाम तरह की चुनौतियों का भी सामना कर रहा है, इन पर भी एक नजर डाल देते हैं। धार्मिक विविधताओं वाले इस देश में कई धर्म के लोग रहते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि किसी विशेष धर्म के धार्मिक स्थल का विकास राजनीति का मुद्दा भी बन जाता है। कई बार राजनीतिक दल इसे वोट बैंक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्रशासन में व्यापक भ्रष्टाचार भी धार्मिक पर्यटन के विकास में बड़ी बाधा है। वहीं इन स्थलों पर दिव्यांग लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में दिव्यांग व्यक्ति कई धार्मिक स्थलों पर नहीं पहुंच पाते हैं। अगर इन सभी चुनौतियों को दूर कर दिया जाए तो भारत धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में खुद को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर सकता है। खैर, ट्रैवल ट्रायंगल की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 96 करोड़ हिंदुओं की आबादी के बीच 20 लाख से ज्यादा मंदिर और तीर्थ स्थल है। सबसे ज्यादा करीब 3 लाख मंदिर तमिलनाडु में है। वहीं फाइंडिंग डेटा की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 7 लाख मस्जिद है। एक तथ्य ये भी है कि धार्मिक पर्यटन के जरिए इन स्थानों पर होटल उद्योग, यातायात उद्योग, छोटे व्यवसायियों आदि को बहुत लाभ पहुंच रहा है। वर्ष 2028 तक भारत के पर्यटन क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ रोजगार के नए अवसर निर्मित होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। इसके अतिरिक्त देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में त्योहारों और पर्व की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए बीते वर्ष दिवाली का त्योहार ले सकते हैं। ट्रेडर्स फेडरेशन कैट के अनुसार दिवाली पर 3.75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड व्यापार हुआ है। इस तरह से धार्मिक पर्यटन के साथ साथ भारतीय त्योहार भी देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में अपना भरपूर योगदान देते नजर आ रहे हैं। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।